दोस्तों आपको पता ही होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर 7 एमिरेट्स हैं, लेकिन उनमें से आप सिर्फ दुबई का ही नाम जानते हैं। देखिए, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि दुबई दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसने दुनिया भर के लोगों को रोजगार दिया है और अपने कीमती प्रोजेक्ट से पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। उन प्रोजेक्ट्स में बुर्ज खलीफा भी शामिल है, मिनी वर्ल्ड भी शामिल है। लेकिन क्या सिर्फ इतने के लिए ही हम दुबई को याद करते हैं? नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो वियर्ड है, अनरियलिस्टिक है, अमेजिंग है, और ये सब कुछ दुबई में है। तो आइए जानते हैं वो सभी चीजों के बारे में। नंबर एक, मैन मेड आइलैंड। दोस्तों, एक आर्किटेक्ट के तौर पर दुबई वह जगह है जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी को ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर चाहे वह बुर्ज खलीफा हो या फिर बुर्ज अल अरब, दोनों को ही बनाकर दुबई के आर्किटेक्ट ने दुनिया भर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन उनकी भूख उतने पर शांत नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड। एक तरफ जहां दुनिया के बाकी इंजीनियर और आर्किटेक्ट नदियों पर पुल बनाने में घबरा जाते हैं, तो वहीं दुबई में समुद्र के ऊपर जमीन बनाई गई है। नंबर दो, डेंजरस पेट्स। दोस्तों, दुबई के लोग हर फील्ड में अमेजिंग है, चाहे वह एटीएम हो या फिर बिल्डिंग हो या फिर स्पेस से भी दिखने वाला पाम जुमेरा। तो भला वो पेट्स के मामले में कैसे पीछे रह सकते हैं भाई, जहां दुनिया भर के लोग कुत्ते बिल्ली पालकर उनका नाम शेरू रखते हैं, तो वही दुबई के लोग शेर पालते हैं, चित्ता पालते हैं, तेंदुए पालते हैं। कई कई घरों में तो जनाब आपको दर्जन भर शेर मिल जाएंगे। ये काम सिर्फ और सिर्फ दुबई के लोग ही कर सकते हैं। नंबर तीन, क्रेजी रमादान रूल्स। दोस्तों, दुबई एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पर बहुत सारे रूल्स इस्लाम की पवित्र किताब कुरान से लिए गए हैं। देखिए, इस्लाम का सबसे प्रमुख त्योहार होता है ईद। जैसे कि आप जानते हैं, ईद रमजान के महीने के खत्म होने पर आती है और चांद देखकर मनाई जाती है। ईद के दिन मेले लगते हैं, सेवैया बनती है और चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। लेकिन इससे एक महीने पहले तक रोजे रखे जाते हैं। दुबई में रोजे इस्लामिक लोगों के लिए जितने मुश्किल होते हैं, उतने ही मुश्किल गैर इस्लामिक लोग के लिए भी होते हैं, क्योंकि इस दौरान उसको बहुत सारे क्रेजी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आप पब्लिक में खाना नहीं खा सकते, आप तेज आवाज में गाने नहीं सुन सकते, म्यूजिक नहीं बजा सकते। अगर ऐसा होता है तो भी उसके लिए कठिन पनिशमेंट निर्धारित की गई है। नंबर चार, गोल्ड कवर होटल इन दुबई। दोस्तों, बुर्ज अल अरब दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होटल और दुबई की शान है। इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। बुर्ज खलीफा के कारण ये अंडररेटेड है, लेकिन इस फैक्ट को जानने के बाद आप बुर्ज खलीफा को भी भूल जाएंगे। ये होटल पूरी तरह से सोने से ढका हुआ है। इसके इंटीरियर डिजाइन करने के लिए 24 कैरेट खरे सोने का प्रयोग किया गया था, जो कि हैरान करने वाला है। जब आप इस 7-स्टार होटल में जाएंगे तो आप बस उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाएंगे। इस होटल के 7100 स्क्वायर फीट एरिया को सोने से कवर किया गया है, जिसे अगर मार्केट में बेचा जाए तो आप तुरंत ही बिलियनर बन जाएंगे। इस तरह के अमेजिंग कारनामे सिर्फ वही हो सकते हैं जहां पर दुनिया का 50% से भी ज्यादा सोना मौजूद है। नंबर पांच, लग्जरी कार। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप एक कार लवर है तो आप या तो बिलियनर बनिए या किसी बिलियनर के ड्राइवर बन जाइए, तभी आपको ये कार चलाने को मिलेगी। लेकिन दुबई में इसका तीसरा ऑप्शन भी है और वो है पुलिस। जी हाँ, दुबई में पुलिस के पास वह कार्स है जो हम सिर्फ पंजाबी गानों में ही देखा करते हैं। वहाँ पर लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कारें हैं। ये दुबई का शौक नहीं है बल्कि जरूरत है, क्योंकि ये जो कार है वो दुनिया की फास्टेस्ट कार है। इसी वजह से ये दुबई की पुलिस को भी फास्टेस्ट बना देती है। नंबर छह, रॉबर्ट केमल राइडर। दोस्तों, केमल्स के लिए दुबई के लोगों का प्यार किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि यूएई के प्रिंस ने दुनिया के सबसे महंगी ऊंटनी करोड़ों रुपए में खरीदी थी। लेकिन अभी हम बात करते हैं केमल रेस की, जिसके लिए पूरा दुबई पागल है। स्पेन की बुल फाइटिंग की तरह ही दुबई में केमल रेस कराई जाती है। इसका कॉन्सेप्ट हॉर्स रेस से लिया गया है, लेकिन इसमें एक चीज गलत थी, वो थी इस पर सवारी करने वाले बच्चे। देखिए, केमल को राइड करने के लिए बच्चे को चुना जाता था क्योंकि वो हल्के होते हैं, लेकिन इस दौरान बहुत सारे बच्चे गिरकर मर जाते थे। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है
कि वो बच्चे दूसरे देशों से लाए जाते थे। हालांकि इन सब को देखते हुए सरकार ने कैमल राइडिंग पर बैन लगा दिया, लेकिन रेसर्स ने बच्चों को रोबोट से रिप्लेस कर दिया और वो बच्चों से हल्के भी होते हैं। नंबर 7, गोल्फ कोर्स। दोस्तों, क्रिकेट के लिए जैसे सचिन जाना जाता है, वैसे ही दुबई में एक बार गोल्फ कोर्स खेला था, जो कि अभी एक आलिशान रिजॉर्ट बन चुका है। इतना आलिशान कि उसके रखरखाव के लिए 300 से भी ज्यादा सर्वेंट लगते हैं। और अगर आप इतने में ही हैरान रह गए तो भाई जरा रुक जाइए, मैं आपको बता दूं कि इस गोल्फ कोर्स को हरा भरा रखने के लिए हर रोज 4 मिलियन लीटर पानी का यूज किया जाता है। अगर 5 लोगों की फैमिली उसे खत्म करे तो लगभग 100 साल लग जाएंगे। नंबर 8, नो इनकम टैक्स। दोस्तों, दुबई में लोग इतने ज्यादा हेल्दी है, उसके पीछे कई सारे रीजन है। इनमें से एक है नो इनकम टैक्स, यानी कि किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं है वहाँ पर, ना कोई पेपर पर, ना कोई सैलरी पर, ना ही किसी की कमाई पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दुबई आखिर चलता कैसे है। देखिए, अगर दुबई अपने लोगों से इनकम टैक्स नहीं लेता है तो दुबई की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा अच्छी हालत में कैसे है, ये सोचने वाली बात है। मैं बता दूं, उसके पीछे जो रीजन है ना, वह है टूरिज्म। जी हाँ, वहाँ पर होता है टूरिस्ट टैक्स। आप जानते हैं कि दुबई में इतने ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो जाहिर से बात है वहाँ टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं और दुबई इन्हीं को मोनेटाइज करके अपना टैक्स बनाता है। नंबर 9, एवरीथिंग इज ट्रिपल एक्सेल साइज। दोस्तों, आपको ये तो पता चल जाएगा कि दुबई कितना ज्यादा आलिशान शहर है। यहाँ सब कुछ ब्रांड है, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, बीच हो, आइलैंड हो, रेस हो या फिर मॉल्स हो। दोस्तों, दुबई का सबसे बड़ा मॉल 4 मंजिला है और उनमें 1200 से भी ज्यादा दुकानें हैं, जो कि फैली है 502 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। दुबई की दूसरी ग्रैंड चीजों में शामिल है दी दुबई मिरेकल गार्डन। ये गार्डन लगभग 72 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। इतना बड़ा गार्डन जिसे पूरा कवर करने में 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम लग सकता है, पर अगर आप एक एक फूल की खूबसूरती देखने बैठेंगे तो इससे भी ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 करोड़ से भी ज्यादा फ्लावर्स है। इन सब के अलावा दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मेन मेड स्ट्रक्चर तो है ही, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दुबई को सिर्फ बुर्ज खलीफा के नाम पर याद नहीं करेंगे, बल्कि आपके जहन में और भी चीजें आएंगी। चलिए एक और चीज के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 10, गोल्ड बार एटीएम। जी हाँ, ये है गोल्ड बार एटीएम, जो इतना ज्यादा यूनिक है कि शायद किसी ने इनके बारे में सोचा भी नहीं होगा। देखिए, जब भी आप दुनिया के उस शहर में जाते हैं जहां दुनिया का 50% से भी ज्यादा का सोना मौजूद है, तो ऐसे में गोल्ड बार एटीएम का होना बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं लगता। दुबई के इस एटीएम में पैसों की जगह सोना निकलता है। आपको बस इसमें अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है और गोल्ड बाहर आ जाता है। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ दुबई में ही पॉसिबल है। शायद इसलिए दुबई को पॉल ऑफ गल्फ यानी मिडिल ईस्ट का किंग भी माना जाता है। नंबर 11, दोस्तों, दुबई दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा मोटे लोग पाए जाते हैं और जहां दूसरे देश की गवर्नमेंट पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह गरीबी कम करे, एजुकेशन को बेहतर करे, वही दुबई की सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों का मोटापा कम करे। दोस्तों, दुबई की गवर्नमेंट आपको 1 किलो वजन घटाने के बदले में 2 ग्राम सोने का रिवॉर्ड देती है। इंडियन करेंसी में ये कीमत लगभग 10,000 रुपए हुए। तो दोस्तों, ये है दुबई की आन बान शान। आपने आज वीडियो में देखी दुबई की लाजवाब बातें, वहाँ की कमाल की चीजें जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।